ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। इसमें दो मैगी आ चुकी है, ठीक है। ये स्पेशली मैं तीन सेट लेके आया हूँ। अगर मैं कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ, ये तीनों एक साथ एक जगह पे आ जाते हैं, तो आराम से मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। ये देख पा रहे हो, ये सेट है तीनों का, ठीक है। तो आप सिलेंडर देख पा रहे हो, बिल्कुल ही पानी की बोतल से छोटा सिलेंडर है, ठीक है। चेक कर पा रहे हो, तो बिल्कुल हिमाचल वाली मैगी बनकर रेडी है। अभी सिलेंडर बनाने को मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने जब सिलेंडर बनाने की कोशिश करी थी तो दो तीन बार तो मैं फेल ही हो गया था। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो अपने अपनी ब्लॉग्स, तो मेरा नाम है साहिल। होप तुसीं सारे ठीक होगे। आज हम करने जा रहे हैं कुकिंग, तो ये कुकिंग का सेटअप सारा लग चुका है। तो इस बैग में, इस छोटे से बैग में है हमारा छोटा सा सिलेंडर। ये पूरी पानी की बोतल के जितना सिलेंडर है, ठीक है। इसमें सिलेंडर भी है, स्टोव भी है और पानी की बोतल भी है। तो देख लो कितना छोटा बैग है, आप देख ही पा रहे हो। अभी हम बनाने जा रहे हैं मैगी, तो मैगी बना रहे हैं हम। तो ये सारा सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। एक कैमरा वहाँ पर लगा है और एक कैमरा वहाँ पर लगा है। आसानी से आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। तो देख पा रहे हो बिल्कुल छोटा बैग है। तो इसमें एक मेरी पानी की बोतल है, ये देखो पानी की बोतल। तो ये है सिलेंडर, तो साइज देख लो कितना है इसका, बिल्कुल पानी की बोतल जितना साइज है। तो ये स्टोव है, ठीक है, सबसे छोटा स्टोव। तो अभी हम कुकिंग करते हैं स्टार्ट, इसको फिट करते हैं। पानी की बोतल हम कर देते हैं साइड पे, तो इसको आसानी से हम फिट कर सकते हैं। इसको इधर से घुमाना है और ये लग चुका। ये मेरी तरफ खुलेगा और आपकी तरफ ये बंद होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। तो हम इसको जलाते हैं अभी। तो ये जल पड़ा, तो अब स्टार्टिंग करते हैं हम मैगी बनाने के लिए। थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं हम। तो आप देख पा रहे हो इसमें दो मैगी आ चुकी है, ठीक है। ये स्पेशली मैं तीन सेट लेके आया हूँ। अगर मैं कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ, ये तीनों एक साथ एक जगह पे आ जाते हैं, तो आराम से मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। ये देख पा रहे हो, ये सेट है तीनों का, ठीक है। तो आप सिलेंडर देख पा रहे हो, बिल्कुल ही पानी की बोतल से छोटा सिलेंडर है, ठीक है। चेक कर पा रहे हो, तो बस इसको अभी ढक देते हैं हम। इसी बर्तन से ढका जाएगा, तो इसको उल्टा करके हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये ढक चुका है, तो देख पा रहे हो आराम से आप कुकिंग कर सकते हो, ठीक है। सारा कुछ रेडी, हम तड़के के लिए ये हमारा टमाटर है और इसमें जो है रिफाइंड ऑयल के पाउच है, तो ये पाउच है रिफाइंड ऑयल के। तो सारा कुछ सेटअप रेडी है बस हमने। तो एक छोटा सा ये भी लेके आया था मैं, अगर आउटर में कहीं पे भी जाता हूँ, ये छोटा सा सेटअप है मेरा, सारा कुछ लेके मैं जा सकता हूँ एक छोटे से बैग में। तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे भी जाके लेके जा सकता हूँ मैं। तो अभी इसको मैं कुकिंग करता हूँ, मैगी बन रही है। बस जैसे ही उबलती है तो तड़का लगाते हैं दूसरे बर्तन में। तो मैगी हमारी बॉइल हो चुकी है, बस रेडी है। अभी हम इसको तड़का लगाते हैं। तो पंजाबी में बोलते हैं तड़का लगाना खाने को, तो तड़का लगाते हैं हम, ठीक है। रेडी है, अभी उठाने का झंझट है, उठाना कैसे, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं किसी तरीके से उठाते हैं इसको। पलटने वाला भूल गए हम घर पे ही।
तो इसको पलटते हैं आराम से। तो अभी पलट रहे हैं हम इसको, अभी हम तड़का लगाते हैं। तो गैस चल रहा है बस, तो ऑयल डालते हैं इसमें। ये छोटे से रिफाइंड के पैकेट है, तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल छोटे रिफाइंड के पैकेट आए हैं। अभी हम इसमें रिफाइंड डाल चुके हैं, तो हम अभी जो है प्याज कट करेंगे इसमें। बाकी ये सिलेंडर बनाने को मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने जब सिलेंडर बनाने की कोशिश करी थी तो दो तीन बार तो मैं फेल ही हो गया था। फेल ऐसे हो गया कि जब मैंने जहाँ जहाँ भी गया, जिन जिन से भी मदद मांगी, तो उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो कुछ खास जो बंदे थे जो मेरे को मिले, जिन्होंने मेरे को सही सजेशन दिया, तो उन्होंने मेरी मदद करी, तो ये सिलेंडर मैं बना पाया। तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा पंगा मत लेना जैसे मैंने पंगा लिया है इस सिलेंडर को बनाने के लिए। मैं 2 साल से वेट कर रहा था कोई ऐसा सिलेंडर आए जिसमें मैं LPG गैस भर के लेके जाऊँ कहीं पे भी। दूसरे सिलेंडर तो बहुत आते हैं, ठीक है, जो आप 200, 220, 175 में मिल जाते हैं आपको, तो आपका 700 में जो है सिलेंडर बन जाता है, तो रीफ़िल नहीं करवा सकते आप उसको। तो मैंने कोशिश करी कि मैं रीफ़िल वाला कोई सिलेंडर बनाऊँ। मेरे जितने भी दोस्तों के पास सिलेंडर हैं, उनके पास कम से कम इतना बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, 1 फुट, और इधर से इतना जो है 12 सिलेंडर होता है, वो कैरी नहीं किया जा सकता बाइक पे खासकर। तो इसलिए मैंने इसको जो है क्रिएट करा, तो बहुत बढ़िया लगा इसको क्रिएट करके। मैं इससे 6 से 7 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख ही रहे हो कि मैंने आपको दिखाने के लिए ये मैगी बनाई है इस पर, कि आप इस पे विश्वास करो कि ये सिलेंडर जो है वर्क करता है। तो बाकी ये मैगी बन के रेडी हो रही है, तो बॉयल आ रहा है, तो थोड़ा सा हाथ जल गया क्योंकि उठाने के लिए कोई सामान नहीं मैं साथ में कैरी कर पाया, क्योंकि भूल गया था घर पे। तो बाकी रेडी हो रही है मैगी, मैगी रेडी होती है, टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कैसी बनी है। तो बाकी मैगी बनती है तो आपको दिखाता हूँ। बॉयल आ चुका है, तो हम इसको अभी जो है शिफ्ट करते हैं। आप देख पा रहे हो बॉयल आ चुका है। बिल्कुल हिमाचल वाली मैगी बनकर रेडी है, तो अभी हम शिफ्ट करते हैं इनमें, तो टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। मैगी बन के रेडी है, देख पा रहे हो कलर कितना बढ़िया है, ठीक है, तो टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। थोड़ी सी गर्म है, ठीक बनी है, बढ़िया बनी है। मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो हमने क्रिएटिविटी करी है छोटा सा सिलेंडर बना के, पे जो है कुकिंग होती है कि नहीं होती है। तो ये ना कोई कहे कि आपको, आपने हमें दिखाया नहीं कुकिंग करके, आपने सिर्फ सिलेंडर दिखा दिया। तो बिल्कुल इसकी फ्लेम जो है, फ्लेम बहुत तेज़ है, तो मैं आपको एक बार दोबारा चला के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्लेम, देखिए इसकी ये फ्लेम आ रही है, शायद आपको दिख रही होगी।
ये देखिए तो ये बिल्कुल चल रहा है। तो इसमें कई लोग पूछेंगे कि इसमें गैस कितनी आती है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 750 ग्राम कैपेसिटी है इसकी, पर मैंने इसको कम से कम डलवाने की कोशिश करी, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ 2-3 हादसे ही ऐसे हो गए थे कि फैमिली के साथ बैठा था तो अचानक से ही कहीं से इसकी गैस जो है लीक करने लग पड़ी। तो उसकी वजह से मैं किसी को ये कह नहीं रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप भी ऐसा सिलेंडर जो है बनाएं। तो मैंने जो बनाया है सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया है, तो इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप भी सिलेंडर इसको बनाएं। 750 ग्राम इसकी जो है कैपेसिटी है, तो अभी मैंने जो है इसमें डलवाई हुई है 300 ग्राम। तो 7 दिन हो गए हैं मेरे को इसको यूज़ करते हुए, सुबह शाम मैं इसमें चाय बना रहा हूँ, तो आज मैं मैगी बना रहा हूँ, तो अभी भी काफ़ी गैस बची हुई है, तो बन रहा है सारा कुछ। होप करता हूँ कि आपको आज का जो है व्लॉग बहुत बढ़िया लगा होगा, लोकेशन काफ़ी बढ़िया लगी होगी आपको। तो ये छोटा सा एक कुकिंग व्लॉग था जिसमें मैं अपनी पानी की बोतल जितना सिलेंडर दिखाना चाहता हूँ था, तो वो आपको दिखा दिया है, कुकिंग करके दिखा दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। माचिस की डब्बी ਕੰਮ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ।